हाय एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कुमार, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ स्टडी ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि अपना हम डेली का 10 वो कैप्स लेके आते हैं, तो आज मैंने उसमें थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि मतलब कि डायरेक्ट हम वर्ड्स को अब याद नहीं करेंगे, वर्ड्स को याद करने का अलग तरीका हम अपनाएंगे जिससे कि हम वर्ड्स को मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को अपने दिमाग में रख सकें। ठीक है, तो हमें वर्ड्स को रटना नहीं होगा, बस समझने का कुछ तरीका चेंज करना हमें, उसको समझना है, अपने माइंड में मैपिंग करनी है किसी और चीज से रिलेट करके। तो अभी हम जो वोकैब्स आज का देखेंगे वो रूट्स वर्ड के थ्रू देखेंगे। रूट्स वर्ड का मतलब क्या होता है, का मतलब कि कोई भी वर्ड हो उसके आगे या पीछे जो प्रीफिक्स और सुफिक्स होता है, तो जैसे लग के वर्ड्स की मीनिंग वो चेंज कर देता है, वैसे ही कुछ ट्रिक को अपनाएंगे हाँ। और आज रूट वर्ड्स के थ्रू हम वोकैब्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहला हमारा देखते हैं रूट क्या है। सबसे पहले ये देखिएगा, साइड। साइड का मतलब क्या होता है, हथियार। तो ये हमारा रूट हो गया। अब इस रूट से देखिए हम कितना सारा वर्ड्स बना सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला वर्ड है हमारा, सबसे पहला वर्ड रहेगा हमारा रेजी साइड, जिसका मतलब होता है राज हत्या। ठीक है, एक्चुअली पहले मीनिंग लिख लेते हैं, उसके बाद से समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पहला रेजिसाइड होमिसाइड, और क्या हो सकता है, एन्थेंटिसाइड, सॉरी साइड। और इसके बाद हमारा हो जाएगा इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो अब इन सब वर्ड्स को हम देखेंगे, सब में लगा हुआ है क्या आपका, ये साइड 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 सब में आपका लगा है लास्ट में। तो आपका सबसे पहले ये साइड देख के मालूम हो जाए कि क्या है रिलेटेड, ये हत्या से रिलेटेड है। और सबसे हमारा पहले क्या था, रेजी साइड का मतलब होता है राज हत्या। उसके बाद क्या है, होमिसाइड। और उसके बाद क्या है, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट देख के आपको क्या लगता है, शिशु की बात कर जा रही है, यानी यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, शिशु हत्या। और लास्ट क्या है आपका, इंसेंटिसाइड। इंसेंटिसाइड आपका होता है जो कीट 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 मकोड़े होते हैं उनसे रिलेटेड बातें हैं, तो यहाँ आपका होता है ये कीटनाशक के लिए। कीटनाशक। और ये जो आपका होमिसाइड है, होमिसाइड का मतलब होता है नर हत्या। ठीक है, तो आपको जहां भी ये साइड वर्ड दिखे किसी भी सेंटेंस, किसी भी मीनिंग, किसी वर्ड मीनिंग में, तो आपके मन में सबसे पहले बात ये आनी चाहिए वो हत्या से रिलेटेड कोई बातें होंगी। ठीक है, तो आप मतलब ध्यान थोड़ा दोगे तो आपको सारे वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे। रेजी साइड है जिसका मतलब होता है राज हत्या, राजा की हत्या। होमिसाइड यानी नर हत्या, यानी किसी भी मनुष्य की हत्या। ठीक है, उसके बाद क्या, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड यानी इन्फेंट यानी शिशु, यानी शिशु की हत्या। और क्या है इनसे, इंसेक्ट साइड। ठीक है, इसका मतलब होता है कीटनाशक जो कीट को मारने वाला। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कुछ अलग रूट्स के ओर, और देखिएगा अगला हमारा रूट्स क्या है, सेकेंड नंबर क्या है रूट्स हमारा। देखिएगा, अब हमारा रूप रहेगा ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। ठीक है, तो ग्राफी का मतलब हमारा होता है टू राइट। एंड राइट मतलब क्या, आप मतलब लिखने से रिलेटेड ही सारी बातें होंगी, इससे जितना भी रूट निकलेगा हमारा ग्राफी से। तो देखिएगा क्या क्या वर्ड निकलता, सबसे पहला हमारा है कैकोग्राफी, दूसरा हमारा होगा कैलियोग्राफी, और उसके बाद से हमारा होगा ये जियोग्राफी भी ले लो आप,
और एक और आपको लेना हो तो क्या ले सकते हो आप, डेमोग्राफी ले लो। ठीक है, तो ये आपके वर्ड्स चार हो गए। तो जो आपका कैकोग्राफी होता है, कैकोग्राफ एक्चुअली सबसे पहले आप क्या नोट करोगे, यहाँ पर लास्ट में क्या है, ग्राफी ग्राफी ग्राफी, सबके लास्ट में आपका क्या है, ग्राफी है। तो आपको सबसे पहले माइंड में ये बातें आनी चाहिए कि सबसे क्या क्या है ग्राफी, यानी लिखने से रिलेटेड सारी बातें हैं आपकी। आप यहाँ पे दो वर्ड और ले सकते हो, आपको पता भी होगा उसके बारे में। यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है हमारा बायोग्राफी, और एक हमारा होता ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या समझना है कि लास्ट में ग्राफी यानी लिखने से रिलेटेड है। तो कैकोग्राफी जो हमारा होता है वो हमारी बैड हैंड राइटिंग जो होती है, बैड हैंड राइटिंग को ही कहते हैं क्या हम, कैकोग्राफी। और कैलियोग्राफी जहां बात आती है, कैलियो यानी मतलब अच्छे से होता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐसे जगह नहीं है मेरे पास लिखने का। ठीक, और आगे क्या, जियोग्राफी। जियोग्राफी यहाँ भी ग्राफी लगा है, मतलब ग्राफी लगा यानी मतलब कि लिखने से रिलेटेड है, तो स्टडी से रिलेटेड है। तो वेयर स्टडी अबाउट, अबाउट अर्थ। तो ग्राफी यानी टू राइट, यानी स्टडी से रिलेटेड ही सारी बातें होंगी। तो यहाँ पर ज्योग्राफी जो आपका होता है सब्जेक्ट, जो जिसमें जहां हम स्टडी करते हैं अर्थ से रिलेटेड, वो हमारा ज्योग्राफी हो गया। आप लास्ट में क्या, हमारा डोमो डोमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी एक्चुअली होगा ये, मुझसे थोड़ा ये हो गया है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्या होता है वो स्टडी रिलेट करते हैं वन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो जिसमें स्टडी करते हैं हम, स्टडी करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में, तो हमारा क्या होता है, डेमोग्राफी। और ये हमारे दो वर्ड और बाकी है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि इसका मतलब भी होता है जीवनी है, लेकिन इसमें रिलेशन क्या है, अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो बायोग्राफी का मतलब हो गया कि अगर मैं आपकी जीवन कथा लिखता हूँ, आपकी लाइफ के बारे में लिखता हूँ तो बायोग्राफी होगा, लेकिन मैं खुद अपने जीवन कथा, अपने लाइफ के बारे में अगर कोई बुक लिखता हूँ तो मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। तो इसे आप समझ गए होंगे ऐसा आशा करता हूँ। ऐसे जगह नहीं है, तो जगह थोड़ा खाली करना पड़ेगा मुझे। देखिएगा, तो बायोग्राफी का मतलब हो जाएगा, जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो जाएगा आत्मकथा। इसे ध्यान में रखिएगा बच्चे, इसमें बहुत कॉन्फ्यूज होते हैं, यहाँ ऑटो और ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में। ठीक है, तो ये हमारा आज का वोकैब्स जो कि हमने अपना दो रूट्स वर्ड के थ्रू देखा है, जाना है, और काफी पॉपुलर भी है। आपको बहुत सारे वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं आपके, वहां आपको यूज करने को मिलेगा इसका। तो अभी के लिए वोकैब्स का सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।